about the poem of Tufik Rafat of the stone chant, and we will discuss about the critical summary important elements about the stone chant. First of all, I will discuss about the biography of the poet. I told you before that he is a pioneer poet in Pakistani literature, father of Pakistani idiom. और ये ऐसे राइटर थे जिन्होंने हॉलमार्क आने वाले जो राइटर्स थे उनके लिए रोड मैप डिटरमाइन किया. इसके अलावा अगर आप सेकंड आप अज़रा पॉइंट पाकिस्तानी अज़रा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं और एंड क्लेडोस्कोपिक पोइट भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें तमाम किस्म के एलिमेंट्स मौजूद है. अगर हम स्टोन चैट को देखें तो हम इसको इस पोइम को दो टू मेटाफर्स के तौर पे ले सकते हैं. एक स्टोन चैट एक ऐसा बर्ड एक ऐसा जो कि अपनी जो टेल है उसे वाइब्रेट कर रहा है और लोनलीनेस फील कर रहा है. ठीक है, सेकंड एलिमेंट ये हम एक मेटाफर ले सकते हैं कि एक ऐसा स्टोन चैट एक ऐसा स्टोन है पत्थर है जो कि इंस्क्रिप्शन इन द ग्रेव यार्ड आप कह सकते हैं जो कि मुंसलिक है कब्रस्तान से. तो दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्योंकि ये जो स्टोन चैट है जब वो पोइट जेहलम के जो हिल एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अब रुका और रिलीफ पेन अपनी फिटी को कम करने के लिए तो उसने एक स्टोन चैट एक उस टाइम में उसकी जो फीलिंग और मोशन थी एज अ बर्ड के तौर पर भी स्टोन चैट को उसने डिस्कस किया और एज अ इंस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेव के तौर पे भी डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टोन चैट को अगर हम देखें तो वो कहता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसमें चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं. हमेशा इंसान इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ मूव हो रहा होता है, यूथ से ओल्ड एज की तरफ हो रहा होता है, ब्यूटी से अगलीनेस इन इन शेप ऑफ द ओल्ड एज की सूरत में. तो ये जो एलिमेंट्स हैं चेंज हमेशा जो है इंसान की लाइफ के अंदर रहता है. ऐसा नहीं होता कि इंसान एक ही स्टेट में रहे. चेंजिंग इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. जिस तरह सीजन जैसे क्रॉप्स जो हैं मौसमों की तब्दीली के साथ वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, इसी तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं. इसी तरीके से वो कहता है कि जो स्टोन चैट है अगर आप उसे एज अ देखें एज अ मेटाफर ऑफ द जॉय हैप्पीनेस के तौर पर देखें तो दूसरा आप इसको एज अ इंस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेव के तौर पर भी ले सकते हैं क्योंकि वो हो सकता है कि वो जो एक ऐसा बंदा जो कि एक टाइम था ही वाज अलाइव नाउ ही इज़ लिविंग इन द ग्रेवयार्ड. अब वो कब्रिस्तान का एक हिस्सा बन चुका है उसकी क्योंकि जो ह्यूमन कहता है कि अब डेज ऑफ हैप्पीनेस हैज़ बीन फिनिश्ड ख़त्म हो चुके हैं. जो वक्त जो था उस जो इन्जॉयमेंट का टाइम था अब उसे किसी भी चीज़ की जो है चीज़ों की जो लग्जरीज के उसने लाइफ इतनी लग्जोरियस गुजारी है कि अब उसे सेटिस्फेक्शन चीज़ों से फील नहीं हो रही. तो ये जो है एलिमेंट्स इस पॉइंट के अंदर हम डिस्कस अबाउट द स्टोन चैट किस तरीके से हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस अक्कर होते हैं, किस तरीके से हम लोग जो होते हैं मतलब एक जो ब्यूटी. और उसके अलावा वो डिस्कस करता है कि जो चीज़ ब्यूटी जैसे किट्स की जॉन किट्स कहता है ब्यूटी के बारे में जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि ब्यूटी इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल. जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो हमेशा खूबसूरत ही रहती है, इट डजेंट नीड एनी एम्बेलिशमेंट ऑफ द वर्ड्स, उसे वर्ड्स की मोहताज नहीं होती इस हवाले से क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है. वो जब वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है चाहे ब्यूटी चाहे आप नेचुरल इमेजरी को देख रहे हैं, नेचुरल सीन्स को देख रहे हैं, लैंडस्केप को देख रहे हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, फ्लावर्स को देख रहे हैं, तो ये ब्यूटी उस किस्म की भी हो सकती है. ब्यूटी फीमेल फिगर भी हो सकती है या फिर एक स्कल्पचर क्रिएट करता है एक आर्टिस्ट जो अपनी जो है क्रिएशन क्रिएट करता है ब्यूटी अपने स्कल्पचर के ज़रिए तो अपने मुजस्मे साजी के ज़रिए तो वो भी एक ब्यूटी है. ब्यूटी के डिफरेंट टाइप्स उसने डिस्कस किए हैं. वो कहता है कि हमेशा याद रखना कि लाइफ और जो डेथ है ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी जो इंसानों की ज़िंदगी है उसका हिस्सा रही है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थीम है लॉस सर्च ऑफ द लॉस आइडेंटिटी. जो पोइट है अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करना चाह रहा है. वो कहता है कि पाकिस्तान बन चुके 1947 का टाइम गुजर चुका है, अब हमारा जो है अब हम
अब हमें उसी तरीके से रिकग्निशन चाहिए जैसे इंडियन राइटर्स। कहते पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तानी राइटर्स थे वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुए। ये जो डायलेमा है सिर्फ पाकिस्तानी राइटर्स को फेस करना पड़ा, इंडियन राइटर्स को फेस नहीं करना पड़ा आफ्टर द पार्टीशन, क्योंकि उन्हें वो अपनी रूट्स को फाइंड आउट करने के चक्कर में, मतलब जो अपना मेन एम और जो थीम था उनका, जिस जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल करना थी वो हासिल नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं और वो ये बता रहा है कि मैं जो हूँ इन सब चीज़ों से ना डिससेटिस्फाई हो गया हूँ, ठीक है, चीज़ों से, ज़िंदगी से। और इसी तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स, अगर वो डेथ का एलिमेंट देख रहा है तो कभी इंस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेव, इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन के तौर पर जब वो एक स्टोन ग्रेवयार्ड के अंदर है उसके हवाले से, कभी वो डेजर्ट एरिया का एलिमेंट देता है क्योंकि डेजर्ट एरिया जो होता है सिंबल होता है डेथ का एलिमेंट होता है, लोनलीनेस का एलिमेंट्स होता है, डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट होता है, डेजर्ट को ग्रीनरी के साथ कंपेयर कर रहा होता है, और कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करके दो पहलू अब दिखा रहे हैं, एक तरफ वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरी तरफ उसे जो अगलीनेस है उसको डिपिक्ट कर रहा है। इसमें आपको बहुत हद तक जो जॉन किट है उसके, जॉन किट्स के भी आइडियाज़ मिलेंगे किस तरीके से वो, जैसे ब्यूटीफुल इज़ ब्यूटीफुल एनी वेज सो वाई इम्बेलिश इट विद द वर्ड, ये इस किस्म के जो लाइन्स हैं आपको इसी तरह जॉन किट्स में भी मिलेंगी। इसी तरीके से वो कहते हैं द आई टू लॉन्ग यूज टू ग्रीन एंड फ्रूटफुल मूवमेंट इज पास, थक गया हूँ इन सब चीज़ों से, और अब वो दो चीज़ों को पैरेलल कहते हैं ना, पैराडॉक्स आइडियाज़, दो ऑपोजिट पैरेलल आइडियाज़, पैराडॉक्स मीन कि दो आइडियाज़ होते हैं जो मिलते नहीं, ऑपोजिट चल रहे हैं, जैसे अगलीनेस को उसने ब्यूटी के साथ कंपेयर किया, इसी तरह इग्नोरेंस को नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहा है, फिर वो कहता है यूथ को ओल्ड एज के साथ कर रहा है स्टे, और इसी तरह पास्ट को प्रेजेंट के तौर पे ये मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं उसको डिस्कस करता है इस पॉइंट के अंदर। वो कहता है कि अगर टू अंडरस्टैंड द वेस आई मस्ट ट्राई नाउ माई सेल्फ एज आई मस्ट वंस हैव बीन एंड बिकम व्हेन आई हैव टू बिकम द स्टोन चैट देयर। रेपिटिशन इस्तेमाल, जब किसी राइटर ने किसी भी चीज़ पर इम्फेसाइज करना होता है रेपिटिशन इस्तेमाल कर रहा है वो, यहाँ पे इम्फेसाइज कर रहा है, यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल, फ्लैश आइडियाज़ फ्लैश कर रहे हैं, इमेजेस पिक्चर्स, कभी ओल्ड एज कभी यूथ की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह पैराडॉक्स आइडियाज़ हैं, नेचुरल इमेजरी इमेजिज़म का इस्तेमाल किया, सिम्बोलिज़म का इस्तेमाल उसने किया है। वो कहता है कि जो एम्बिग्विटी है ना वो भी एक तरह से अनसर्टेनिटी का शिकार है, वेदर द स्टोन चैट इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेव और द बर्ड वेदर इट्स वाइब्रेटिंग टेल फाउंड इन द लोनली प्लेस। अब दोनों को एम्बिग्विटी है, अब हम उसको आप पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स के, अब इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहिए, एज अ बर्ड विद वाइब्रेटिंग टेल के तौर पर या इंस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेव के तौर पर। इस तरीके से वो बेसिकली इसमें रियलिज्म का भी एलिमेंट है, डिस्क्रिप्शन और पर्सनल और अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर रहा है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग को इम्फेसाइज कर रहा है, और मोनोलॉग अपना एक अपनी जो फीलिंग और इमोशंस हैं उनको डिपिक्ट कर रहा है। और अगर आप थीम्स को भी साथ साथ देखते जाएँ तो सेल्फ आइडेंटिटी, सर्च ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी है, थीम ऑफ डेथ मौजूद है, रियलिज्म मौजूद है, इसके अलावा रेपिटिशन मौजूद है, यूनिवर्सलिटी है, डिक्शन मौजूद है। बेसिकली तो आपको सबक दे रहा है ना डिक्शन यूनिवर्सलिटी के, इसका जो मैसेज है वो एक तरह से यूनिवर्सल है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इसको सेल्फ आइडेंटिटी के हवाले से ही देख रहे हो तो आप राइटर्स के हवाले से डिस्कस करोगे, ठीक है। ये अब सारी जो चीज़ें थी मैंने डिस्कस की हैं। तो इसके अलावा उसने जो इमेजरी का इस्तेमाल किया है हिल्स ऑफ जेहलम के तौर पर, मैंने आपको बताया कि वो जेहलम के एरिया में जो हिल एरियाज है वहाँ पे बैठा हुआ है और वो उसको एज अ स्टोन चैट भी ले रहा है और साथ साथ उसको अपनी फटीक दूर कर रहा है और अपनी फीलिंग और मोशंस को भी डिपिक्ट कर रहा है। और उसके अलावा सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और ट्रांसडेंटलिज्म जो एलिमेंट है उसको डिपिक्ट कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था इसके कंट्रास्ट भी कर रहा है, कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स में मैच्योरिटी वर्सेस इमैच्योरिटी, यूथ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और इस तरीके से आप इस पोएम को बेहतर अंदाज में दो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लेकर चल सकते हैं। और मैंने अगर आप इसको जॉन किट्स के दो आइडियाज़ हैं, एक तो ब्यूटी के हवाले से और दूसरा जो है जो उसकी जो कहते हैं ना एक जो जॉन किट्स का ही आइडिया है जिसमें वो
अपने आप को कहते हैं ना नेगेटिव एलिमेंट्स को डिस्कस भी कर रहा होता है, लेकिन अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा होता।